सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष लखीमपुर प्रभारी सीतापुर द्वारा पूर्व नियोजित किसान जल सत्याग्रह आंदोलन स्थान माहौल कठिना में कठिना नदी में लखीमपुर व सीतापुर जिले से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर चीनी मिल अजवापुर व हरियावा चीनी मिलों के ताराशाही रवैया से किसानों पर चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा लगातार किए जा रहे शोषण से परेशान होकर दबी कुचली किसानों की आवाज बुलंद करने वाले लखीमपुर जिला अध्यक्ष प्रभारी सीतापुर श्यामू शुक्ला के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया। किसानों की समस्या को देखते हुए किसानों के मसीहा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान भी सात जल सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर सीतापुर लखीमपुर जिले के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हकों की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाकर किसानों के हक की बात प्रमुखता से रखकर 8 घंटे के लगातार जल सत्याग्रह आंदोलन से सीतापुर जनपद के प्रशासन के छक्के छुड़ा दिए। सीतापुर से रामसागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि एक तो जो किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, 14 दिन में हम लोगों का गन्ना भुगतान कराया जाए। अगर 14 दिन में गन्ना भुगतान नहीं होता है तो मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा लिखकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरा बिंदु हमारा यह है, गाजियाबाद में पत्रकारों के ऊपर गाजियाबाद की जिलाधिकारी महोदया रितु महेश्वरी के द्वारा जो फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं उनको वापस कराया जाए और जिलाधिकारी के ऊपर शासन के द्वारा ठोस कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम लोग यह आंदोलन जो कर रहे हैं यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग ऐसे ही जल सत्याग्रह करते रहेंगे, और अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता तो सत्याग्रह हो रहा क्या है क्या मत? सबसे प्रमुख मुद्दा तो किसानों के साथ हो रहा है अत्याचार, और किसानों जिस समय वोट लेना था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझको 50 दिन का समय दीजिए, 50 दिन में अगर किसानों की आय दोगुनी न कर दूं मैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके हमारी कुर्सी को छीन लिया जाए। 50 दिन की बात कही थी, 4 साल होने को आए हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय आधी हो गई है, लेकिन सरकार किसानों के साथ कहीं पर न्याय नहीं कर रही है। और लोकतंत्र में जब कोई संगठन या पत्रकार बंधु कोई आवाज उठाते हैं, समाज का आईना सरकार को दिखाते हैं, तो फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजने का इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? आजाद भारत में जिस देश में जिस जगह से पहला झंडा फहराया गया था वो आज लाल किला जब बेचा जा रहा है, तो देश बिकने में कितनी देर लगेगी? ये है इस सरकार का मुखौटा। न किसानों की सुनी जा रही, न पत्रकारों की सुनी जा रही, न संगठन की सुनी जा रही है। एक छत्र सबको दबाने का काम किया जा रहा, सोशलात्मक कार्रवाई की जा रही, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सड़कों को खड़े होके लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए चाहे संगठन के एक एक सिपाही को अपनी आहुति ही क्यों देना पड़े, लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटा जाएगा। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि समय रहते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए और पत्रकारों का उत्पीड़न बंद कर दिया जाए, वरना देश के हालात बिगड़ जाएंगे, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। अनिश्चितकालीन जब तक समस्याओं का प्रशासन द्वारा क्या सुविधा मुहैया कराई गई, यहाँ पर प्रशासन से केवल सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी मौजूद है और कोई हमको यहाँ पर सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जबकि पूर्व सूचना के आधार पर हम लोग सत्याग्रह करने आए हैं। यहाँ पर अगर गहरा पानी है, हमारा कोई किसान पानी में डूबने लगेगा तो प्रशासन ने कोई तैराक की व्यवस्था नहीं की है, नाव की व्यवस्था नहीं की है, नाव गोता